इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने गुस्से में आकर के चौथे टी20 मुकाबले के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया। मैक्सवेल के शतक से दोस्तों इंडिया हार चुकी थी और इंडिया बहुत ही बुरा टूट चुकी है। दोस्तों इंडिया के बल्लेबाजों ने जिस प्रकार से तीसरे टी20 मुकाबले में प्रदर्शन किया था उससे तो लग रहा था कि जैसे ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक मारा था, 57 गेंद में 122 रन का तूफानी शतक आया था, मगर जब मैक्सवेल की पारी आई तो दोस्तों इंडिया पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। आखिरकार सूर्य कुमार यादव ने क्या क्या बदलाव किए हैं, किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में मौका दिया गया है, क्या दोस्तों यहां पे नए खिलाड़ी वापसी करेंगे या फिर दोस्तों पुराने वर्ल्ड कप वाले खिलाड़ियों को मौका मिलेगा इस टी20 मुकाबले में, तो दोस्तों आप लोगों की क्या है राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मैं बताता हूं कि आखिरकार कितने बैट्समैन किस खिलाड़ी को बाहर हटाया जाएगा प्लेइंग 11 से, क्योंकि इंडिया नहीं चाहती कि दोस्तों चौथे टी20 मुकाबले में दोस्तों हार मिले और इस सीरीज को दोस्तों वो अपने इस मौके को गंवाए, क्योंकि अभी पिछली हार से दोस्तों वर्ल्ड कप से दोस्तों हार से अभी इंडिया टीम उस गम को भुला नहीं पाई, तो इस गम को भी दोस्तों इंडिया टीम भुलाना नहीं चाहेगी। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जिस प्रकार से 4 T20 मुकाबले में दोस्तों 2 T20 मुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही थी टीम इंडिया, वहीं जब मैक्सवेल का बल्ला चला तो इंडिया चारों खाने चित नजर आई। मैक्सवेल ने तूफानी पारी 48 गेंद में 104 रन की शतकीय पारी की बदौलत इंडिया को चारे खानों चित कर दिया। तो दोस्तों अब क्या लगता है आपको इंडियन की प्लेइंग 11 टीम में आखिरकार किस किस खिलाड़ी को मौका मिलेगा, किस खिलाड़ी को मौका नहीं मिलेगा, आखिरकार क्या तिलक वर्मा को बाहर हटाया जाएगा प्लेइंग 11 से, क्योंकि तिलक वर्मा दोस्तों पिछले मैच में चले थे मगर उनका जिस प्रकार से लोग यहाँ पे देख रहे थे उनका प्रदर्शन नहीं देखने को मिला था, क्योंकि आपको पता है रोहित शर्मा की कप्तानी में इस वर्ल्ड कप को दोस्तों टीम इंडिया नहीं हार पाई, जिसकी बुरी वजह से आज इंडियन टीम में दोस्तों घमासान मचा हुआ कि आखिरकार किस खिलाड़ी को मौका दिया जाए, किस खिलाड़ी को मौका नहीं दिया जाए। आपको पता है दोस्तों, तो आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव तिलक वर्मा के ऊपर रिस्क लेना चाहते हैं और दोस्तों तिलक वर्मा के साथ साथ यहां पे एक नए धाकड़ बल्लेबाज का एंट्री हो रहा है जो वर्ल्ड कप में डबल शतक मार रहा है और धड़ाधड़ शतक मार रहा था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है यहां पे सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में क्या चौथा टी20 मुकाबला इंडिया टीम जीतने के लिए बेताब है, या फिर जिस प्रकार से गेंदबाजों ने प्रदर्शन किया है प्रसिद्ध किचड़ा की फ्लॉप गेंदबाजी की वजह से इंडिया टीम यह मैच हार रही है, आखिरकार क्या सीरीज नहीं जीत पाएंगी, क्या इंडियन नए यंग टीम में इतनी दमखम नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया टीम को सीरीज में हरा सके। रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाज होने के बावजूद यशस्वी जायसवाल दोस्तों और भी बहुत सारे खिलाड़ी जो बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे थे, ईशान किशन रिसेंट तीसरे मुकाबले में नहीं खेले, शुरुआत के 2 मुकाबले में ईशान किशन का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। तो दोस्तों इसी प्रकार से अपना जो कॉम्बिनेशन है पूरा कॉम्बिनेशन बताएंगे कि आखिरकार कौन कौन से खिलाड़ी ओपनिंग करेंगे, कौन कौन से खिलाड़ी दोस्तों किस खिलाड़ी को बाहर बिठाया जाएगा। आपको बात कर देते हैं दोस्तों यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ या यशस्वी जायसवाल, ये दोनों बल्लेबाज दोस्तों ओपनिंग करेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ दोस्तों पहले मैच में अच्छा नहीं चले थे, 0 पर आउट हुए थे, दूसरे मैच में बढ़िया चले, तीसरे मैच में शतक मारा और जबरदस्त तरीके से वाइस कैप्टन बने हुए इस टी20 लीग में। और दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी देखते ही बनती थी तीसरे मैच में, मगर उनके शतक को पानी फेरा जब ग्लेन मैक्सवेल ने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक तूफानी पारी खेली। ग्लेन मैक्सवेल बहुत ही तूफानी पारी के लिए जाने जाते हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी दोस्तों छक्के चौके के लिए जाने जाते हैं, तो ऋतुराज का शतक में पानी फेर दिया और ऋतुराज की मेहनत बर्बाद हो गई। यशस्वी जायसवाल दोस्तों उसके उनके साथ ओपनिंग करेंगे, यशस्वी जायसवाल भी दोस्तों आपको पता है कि उनके साथ ओपनिंग करते तीसरे मैच में यशस्वी जायसवाल बुरी तरह फ्लॉप रहे और उनका भी दोस्तों रन नहीं देखने को मिला उनके बल्ले से। तो यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करेंगे। अब दोस्तों आती है वन डाउन की बात, तो यहाँ पे आपको बता दें कि वन डाउन में आपको यहाँ पे दोस्तों खेलते हुए दिखाई देंगे ईशान किशन। कौन खेलते हुए दिखाएंगे? ईशान किशन दिखाई देंगे खेलते हुए वन डाउन। दोस्तों आपको पता है यहाँ पे ईशान किशन को नंबर आता है, ईशान किशन खेलेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आते हैं अपने सूर्य कुमार यादव आते हैं, सूर्य कुमार यादव भी जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। या फिर दोस्तों अगर सूर्य कुमार यादव चाहेंगे तो आपको पता है कि सूर्य कुमार यादव वन डाउन जा सकते हैं या ईशान किशन। फिर वो तो दोस्तों तिलक वर्मा की जगह पर श्रेयस अय्यर को जगह मिल चुकी है, श्रेयस अय्यर भी बढ़िया प्रदर्शन किए थे वर्ल्ड कप में, तो दोस्तों तिलक वर्मा को अब सूर्य कुमार यादव बाहर फेंकेंगे, क्योंकि तिलक वर्मा का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है जितना उनको लोग जानते हैं, जितना श्रेयस अय्यर को टी20 मुकाबले में आपको पता है चौथे मुकाबले में जगह मिलनी थी, तो अब उनको जगह मिल गई क्योंकि तिलक वर्मा का इतना अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। दोस्तों उसके बाद आपको पता है तिलक वर्मा की जगह आप यहां पे दोस्तों जो खेलेंगे वही तो आपको पता है श्रेयस अय्यर को पक्का मौका मिलने वाला है। उसके बाद आपको बता दें कि यहां पे दोस्तों
और भी जो खिलाड़ी बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको देखने को मिलेगा कि टीम इंडिया की जो वर्ल्ड कप प्लेइंग 11 है, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे बल्लेबाजों के सामने क्या ऑस्ट्रेलिया चौथे को वहाँ पे चौथी सीरीज चौथे मैच को जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, ये बहुत ही बड़ी मुसीबत आ चुकी है इंडिया टीम के ऊपर में। तो चलिए बताते हैं आपको दोस्तों यहाँ पे, तो दोस्तों उसके बाद खेलेंगे यहाँ पे दोस्तों आपको पता पांचवें नंबर पर आएंगे अपने धाकड़ बल्लेबाज आईपीएल के केकेआर टीम के, जो कि आपको पता है धाकड़ बल्लेबाज रिंकू सिंह को मौका मिलेगा दोस्तों। उसके बाद रिंकू सिंह बहुत ही जबरदस्त तूफानी पारी खेलते हैं, लास्ट में फिनिशिंग के तौर पर जाने जाते हैं। महेंद्र सिंह का अगला जो दोस्तों उत्तराधिकारी माना जाता है वो रिंकू सिंह को, क्योंकि रिंकू सिंह की बहुत ही जबरदस्त तूफानी पारी पूरे वर्ल्ड पूरे इस लीग में देखने को मिली है और बहुत ही जबरदस्त उनको वनडे में भी दोस्तों रिंकू सिंह को मौका मिल चुका है। पांचवें नंबर पर रिंकू सिंह लेंगे और रिंकू सिंह की बल्लेबाजी से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया थर थर कांपती है, शुरुआत में उनको मौका नहीं मिलता है। तो मिडिल ऑर्डर में रिंकू सिंह छक्के चौकों की बरसात करने के लिए जाने जाती हैं। अब दोस्तों वहां पे आपको बता दें कि छठे नंबर पर आपके आते हैं, छठे नंबर पर दोस्तों आपको पता है यहाँ पे खेलेंगे आपको अक्षर पटेल। अक्षर पटेल भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हैं, ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं T20 के लिए दोस्तों। जाने माने ऑलराउंडर के नाम पर अक्षर पटेल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, गेंदबाजी से हो या फिर बल्लेबाजी से हो, अक्षर पटेल का मुकाबला भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही अच्छा वो भी दोस्तों पारियों को आगे बढ़ाने में दमखम रखते हैं और अपनी टीम को जीत की दहलीज तक ले जाने के लिए जाने जाते हैं। अक्षर पटेल छक्के चौके आराम से मार लेते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब उसके बाद सातवें नंबर पर आपके पता है दोस्तों वहां पे आएंगे, दोस्तों आपको बता दें कि वहाँ पे आएंगे रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई भी दोस्तों बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, रवि बिश्नोई बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी कराते हैं, रवि बिश्नोई भी दोस्तों काफ़ी अच्छी विकेट लेते हैं। तो रवि बिश्नोई की जगह पर यहाँ पे किसी को मौका नहीं मिल सकता। और दोस्तों उसके बाद आएंगे आपके दोस्तों आवेश खान आ जाते हैं बॉलर में, आवेश खान आ जाते हैं, अर्शदीप सिंह आते हैं दोस्तों। ये सभी खिलाड़ी हैं जो प्लेइंग 11 में शामिल होंगे दोस्तों। बॉलिंग में बात करें तो दोस्तों प्रसिद्ध किचड़ा की जगह पर हो सकता है यहाँ पे नए गेंदबाज की एंट्री हो सकती है, क्योंकि प्रसिद्ध किचड़ा अब की बार बहुत ही ज़्यादा फ्लॉप रहे हैं। प्रसिद्ध किचड़ा ने इस वर्ल्ड कप में कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जिसकी लोग उम्मीद लगा रहे थे, क्योंकि प्रसिद्ध किचड़ा ने दोस्तों अभी तक इस सीरीज में काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। वनडे में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इनको लोग नहीं पसंद करते हैं क्योंकि उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती है। तो सूर्य कुमार यादव इन दिग्गज बल्लेबाजों के साथ में क्या यहाँ पे दोस्तों जिस प्रकार से दोस्तों टीम बन रही है, यंग टीम जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उस टीम को तो दोस्तों एक भी मैच नहीं हारना चाहिए था। अपने होम ग्राउंड में खेल रही थी टीम इंडिया, फिर भी दोस्तों इस मैच हारने के बाद सूर्य कुमार यादव गुस्से में आकर के अपनी पूरी प्लेइंग को तहस नहस करके रख दिया है। अगर प्लेइंग 11 नहीं चेंज करती है तो सूर्य कुमार यादव इस मैच को जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल जैसे भूखे बल्लेबाज भी दोस्तों प्लेइंग, बहुत ही बड़ी खबर है कि ग्लेन मैक्सवेल को भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों। आपको पता है इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ियों को अब दोस्तों इस सीरीज में मौका नहीं मिला है, क्योंकि आपको पता है पिछले रिसेंट मुकाबलों में वर्ल्ड कप में मिली बुरी हार से दोस्तों अभी तक टीम इंडिया उबर नहीं पाई है, उसका दर्द आज भी दोस्तों उनके आंखों में देखा जा सकता है। इंडियन टीम को दोस्तों जिस प्रकार से रोते हुए सभी खिलाड़ियों को विराट कोहली रोहित शर्मा को देखा गया है, उससे दोस्तों आज भी इंडिया के हर एक खिलाड़ी की दोस्तों रूह कांप जाती है। विराट कोहली जैसे एग्रेसिव बल्लेबाज दोस्तों आज खामोश है, पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं। रोहित शर्मा भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दुखी है वर्ल्ड कप की हार से, अभी भी वो T20 या वनडे की दोस्तों कप्तानी करने के लिए नहीं जाने जाते, क्योंकि शुभमन गिल का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा जिसकी वजह से लोगों ने बहुत भला बुरा कहा शुभमन गिल को और टीम इंडिया की पूरी प्लेइंग 11 को तहस नहस कर दिया गया। अलग अलग कप्तान बना दिए गए हैं, T20 के अलग कप्तान, वनडे के दोस्तों अलग कप्तान, हर प्रकार के कप्तान अलग कर दिए गए हैं। और दोस्तों जिस प्रकार से रिंकू सिंह ने बल्लेबाजी की, ऑस्ट्रेलिया के खेमा अभी तक भी डरा हुआ है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या चौथे T20 मुकाबले में इसी प्रकार से अगर प्रदर्शन रहा तो आपको लगता है कि चौथा T20 मुकाबला इंडिया टीम जीत पाएगी, इस सीरीज को अपने नाम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी दोस्तों? और आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार वर्ल्ड कप के लिए दोस्तों जो टीम थी और उस टीम में दोस्तों अब जो नई टीम बन गई है, तीन कप्तान बन गए, तीन दोस्तों कप्तान बने हुए, टेस्ट के लिए अलग, वनडे के लिए अलग, T20 के लिए अलग। तो दोस्तों अगले वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ में 3 T20 मैच, 3 वनडे, 2 टेस्ट सीरीज होने वाली, उसमें कौन किसको कप्तान बनाए, किसको प्लेइंग 11 में जगह मिले, किसको नहीं मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी। बस दोस्तों ये चौथा मुकाबला है, ये लास्ट मुकाबला, अगर इसको इंडिया जीत जाती सूर्य कुमार यादव की कप्तानी तो फिर साउथ अफ्रीका के लिए T20 के लिए यही टीम जाएगी। और इसमें कुछ बदलाव हैं वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।
तो आप लोग अगर सूर्य कुमार यादव को जीतते हुए देखना चाहते हैं, कप्तान बनते हुए पहले यहाँ पे जो T20 सीरीज जीतते हुए देखना चाहते हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।